जा रही है वो है IEX। IEX में बहुत तबीयत से सेलिंग आई थी। अगर आप इसका 2 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको ये 300 रुपये वाला 120 बिक गया नीचे, आपको याद होगा, लेके आइए डॉक्टर साहब। बट 120 के बाद धीरे धीरे ये रिवर्स करना शुरू किया और इस समय 140 145 के आसपास आ गया है। जरा इसके चार्ट देखिए, क्या ये बॉटम बन चुका है जय? क्या इस भाव से लेना चाहिए? तो डेफिनेटली बॉटम मुझे लग रहा है बन चुका है, बिकॉज बहुत टाइम से ये 120 का लेवल सपोर्ट लेके बैठा था, और आज के दिन, सॉरी कल के दिन में भी अच्छा खासा अपसाइड दिखा, और 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया डेली चार्ट पर, पिछले 2-3 दिनों में सस्टेन भी रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है किसी को पोजिशनली बाय करना तो IEX वुड बी ए वेरी गुड स्टॉक। ट्रेडिंग के लिहाज से मैं बात नहीं कर रहा, बट अराउंड 3-4 महीने का व्यू तो मुझे काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। वीकली चार्ट पर हम देखें तो ये 144 का लेवल ब्रेक किया था कल के दिन में, और ये लेवल अगर कैरी ऑन हो चुका है, सस्टेन हो चुका है, तो 156 का पहला आएगा जो 1 महीने के अंदर मुझे दिख रहा है। अगर वो भी पार हो गया तो काफी स्ट्रेंथ दिखेगी, अराउंड 200 या 220 तक के लेवल जा सकता है IEX पर, बिकॉज जो रैली आई थी कुछ साल पहले वो वापिस से स्टार्ट हो सकती है अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन रहा तो। 156 वुड बी ए क्रूशियल टारगेट पोजिशनली देखना हो तो। 156 को पार करने के बाद काफी अपसाइड है, बीच में कोई रेजिस्टेंस भी नहीं दिख रहा, सो द पॉइंट वुड बी वेरी क्रूशियल, ब्रेकआउट वुड बी वेरी कन्विंसिंग। सो 156 का क्रूशियल है लेवल, वो पार करने के बाद डेफिनेटली बाय करना चाहिए पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पोजिशनल पिक के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हैं।